दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो मिट्टी का तेल हमारे घर में होता है वो नीले रंग का ही क्यों होता है, किसी और रंग का क्यों नहीं होता है? तो चलिए मैं बताता हूँ दोस्तों। जो मिट्टी का तेल है, जिसे हम कैरोसिन भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, या केमिस्ट्री की भाषा में कैरोसिन भी बोलते हैं, तो ये जो है एक्चुअल में ट्रांसपेरेंट टाइप का ही है, सफ़ेद कलर का ही, ठीक है, जैसा कि पानी होता है। इसको जो है नीला सरकार के द्वारा किया जाता है, और जो नीला होता है ये राशन की दुकानों पर सरकार के द्वारा बांटा जाता है गरीब लोगों में, ठीक है, गरीब जनता में। और जो वाइट होता है कैरोसिन, ठीक है, ट्रांसपेरेंट टाइप का, ये जो है बड़े बड़े व्यवसाय इनमें काम आता है, बिजनेस में, ठीक है। एंड अब बात करते हैं कि ये जो है नीला क्यों किया जाता है सरकार के द्वारा। तो मैं बताता हूँ कि जब इन दोनों का कलर जो है सेम था, तब इसकी जो है ब्लैक मार्केटिंग होती थी, ठीक है, कालाबाजारी होती थी, जिसे रोकने के लिए इन दोनों का कलर जो है अलग अलग कर दिया गया। जो नीले कलर का मिट्टी तेल होता है उसे राशन की दुकानों पर बांटा जाता है गरीब जनता के लिए, एंड जो सफ़ेद होता है ट्रांसपेरेंट, वो बड़े बड़े बिजनेस में काम आता है। इनका रंग बदलने से जो है कालाबाजारी जो है कम हो गई है, इसलिए मिट्टी के तेल का रंग नीला रखा गया है। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।